हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। वो जानना चाहती हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण होगा या नहीं, और भारत के अलावा किन किन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने टाइम पर लगेगा, इसका सूतक लगेगा या नहीं लगेगा भारत में। ऐसे बहुत से अनगिनत से सवाल गर्भवती महिलाओं के दिमाग में चल रहे हैं कि ग्रहण के नियम माने या फिर नहीं माने, ग्रहण की सावधानियाँ वह रखें या फिर नहीं रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 सोमवार के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी 8:59 में ये ग्रहण शुरू होगा और 10:23 में ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। बस इतनी सी टाइमिंग में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। कोई इसकी अवधि इतनी बड़ी नहीं है कि गर्भवती महिलाएं नियमों का पालन नहीं कर पाएं। ये काफ़ी ईजिली आप ग्रहण के नियमों का पालन कर पाएंगे। इतनी देर तो कोई भी भूखे प्यासे रह सकता है। और ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, अंटार्कटिका वाले देशों में ये जो चंद्र ग्रहण है वो दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो मान्य नहीं होगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ वहाँ ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, और सूतक और ग्रहण के नियम गर्भवती महिलाओं को मानने होंगे जहां पर भी ये ग्रहण दिखाई देगा। अब भारत में रहने वाली महिलाएं चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करें या फिर नहीं करें, तो फ्रेंड्स, चाहे भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर पूरे पृथ्वी पर होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के को क्या है, नियमों का पालन उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। और ये जो ग्रहण है, इसकी अवधि तो बहुत कम है, इसलिए अगर आप ग्रहण के नियमों का पालन कर लेंगी तो इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। आइए जानते हैं, आप जो गर्भवती महिलाएं नियमों का पालन करना चाहती हैं तो उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या गर्भवती महिलाओं के दिमाग में जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। दोस्तों, पहला गर्भवती महिलाओं के दिमाग में है कि वह खाना खा सकती हैं या फिर नहीं खा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस ग्रहण के समय खाना नहीं खा सकती हैं, लेकिन अगर आप खाना खाना चाहती हैं तो ग्रहण लगने से पहले ही खाने में तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि जो ग्रहण की किरणें होंगी उसका दुष्ट प्रभाव, उसकी अशुभ जो ऊर्जा है वो खाने पर नहीं जाएगी और खाना जो है आपका शुद्ध रहेगा। इसे आप ग्रहण के समय खा सकती हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपने कोई दवा लेनी है, या फिर आप इतनी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आपने खाना खाना भी है तो 8:59 से पहले 9 बजने से पहले आप खाना खा लें, पानी पी लें, सब काम कर लें, और 1 घंटे 1.5 घंटे तक तो आप, अगर आपने पहले से खाना खा लिया होगा तो आप भूखे प्यासे रह सकती हैं। अगर आप दवा पानी लेना चाहती हैं इस समय, तो आप ग्रहण लगने से पहले ही दवा पानी ले लें, क्योंकि इस ग्रहण की टाइमिंग ही ऐसी है, इतनी बड़ी अवधि नहीं है, आप पहले से ही दवा पानी ले लें, 9 बजने से पहले ही आप दवा पानी ले सकती हैं। अब कैसे सोना है, कैसे बैठना है, टीवी देख सकते हैं या नहीं, मोबाइल दे सकते हैं या फिर नहीं, तो हाँ फ्रेंड्स, आप इस समय सोना चाहती हैं तो सो सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बैठना चाहती हैं बैठ सकती हैं, टीवी भी देख सकती हैं, मोबाइल भी देख सकती हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और टॉयलेट करने जा सकती हैं या नहीं, या अगर आपका टॉयलेट जो है घर से बाहर है तो फिर आप नहीं जाएं, आप घर के अंदर ही कोई जुगाड़ कर लें। अगर घर के अंदर है तो आप मज़े से टॉयलेट करने जा सकती हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सब्जी नहीं काटनी है, ये सब काम वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे काम करती है तो उसके गर्भ में पल बच्चे के अंग कट या फिर सिल सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, कुछ भी काटना या फिर जलाना, जलाने से इसलिए मना किया जाता है, कोई भी आग जलाने वाले काम आपको नहीं करने चाहिए। इसलिए गर्भवती महिलाओं को खाना बनाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इस समय आप आग का इस्तेमाल करेंगी, और इस समय अगर कोई गर्भवती महिला आग के साथ कुछ भी काम करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के जो अंग हैं वो जलने के निशान उसके अंग में पड़ सकते हैं, इसलिए ये सब काम वर्जित माने जाते हैं, पुराने जमाने से ही ऐसा बोला जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे पति को भी इन नियमों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि पति भी नियमों का पालन करे, आपके पेट में संतान है, इसलिए आपको ही अपने घर में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखना है। पति को नियम पालन करने की इस ग्रहण में कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप अपने पति को नियम पालन करने के लिए मजबूर नहीं करें, क्योंकि उनको घर से बाहर जाना है और बहुत से काम करने हैं, उनको नियमों का पालन करने का की जो है इतनी ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर नियमों का पालन करें, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहती हैं तो मत करें।
लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि जो ग्रहण की अवधि है बहुत ही कम है, अगर आप इस समय 1-1.5 घंटे के लिए ग्रहण के नियमों का पालन कर लेंगी तो आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि ग्रहण था, कि ग्रहण की वजह से हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर अजीब से जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं वो नहीं आएंगे। और साथ ही में फ्रेंड्स, ग्रहण के आप कुछ उपाय भी कर लें। आप अपने पास नारियल रख लें और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर अपने घर के जिस कमरे में आप बैठी हैं उस कोने में कहीं टांग दें। ये ध्यान रहे, धागा जो है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा रहे, इसलिए सैलो टेप से इसको अच्छे से चिपका लें। इससे क्या होगा कि ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा वो आप पर नहीं होकर उस नारियल और धागे पर होगा। धागा जो आप ले रही हैं वो आप अपनी लंबाई जितना ही लें। तो फ्रेंड्स, ग्रहण खत्म होने के बाद आप अच्छे से नहा लें, और नहाने के बाद आप अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी पहले से ही कर लें, और साथ में नहाने के बाद आप पूजा पाठ कर लें। और ग्रहण के समय ये जरूरी है कि आप भगवान का स्मरण करते रहें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।